नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी कामयाबी की राह में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं रोशन आप सभी के लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार जानकारी वाला वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि यदि किसी व्यक्ति को बगैर बिजनेस प्लान बताए हुए यदि मुझे गैल्वे बिजनेस में ज्वाइन कराना हो तो उसे कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये तो गलत तरीका है, किसी को ज्वाइन कराना हो तो बिजनेस प्लान बता के ही ज्वाइन कराना चाहिए। दोस्तों, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिजनेस प्लान बता के लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए, 100% श्योर है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को बिजनेस करने की पर्पस से यदि इस बिजनेस में ला रहे हैं, फुल टाइम वो बिजनेस को देने वाला है, तो यदि वो फुल टाइम इस बिजनेस को नहीं देने वाला है, पार्ट टाइम इस बिजनेस को देने वाला है, तो जब तक वो पार्ट टाइम पूरी तरह से समय ना देने लगे, क्योंकि सिर्फ बोल देने से नहीं होता कि मैं फुल टाइम समय दूंगा या पार्ट टाइम समय दूंगा और मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, मेरी ज्वाइनिंग करा दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाबा जी का प्रसाद है, सभी लोगों को बांट दो। देखिए, आईडी बनाने ना बड़ी बात नहीं है, सभी लोगों की आईडी बना देंगे, सभी लोगों को बिजनेस प्लान बता देंगे, लोग वर्क नहीं करेंगे। लोगों को प्रॉपर रूप से वर्क कराना है ना, आईडी बनाने के बाद प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है ना, तो सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहिएगा, बहुत ही कमाल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया हूं कि किसी भी व्यक्ति को गैल्वे बिजनेस से ज्वाइन कराना हो और बगैर बिजनेस प्लान बताए हुए तो कैसे ज्वाइन करा सकते हैं और इसका फायदा क्या हो सकता है। क्या मैं उससे बिजनेस प्लान छुपा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, बिजनेस प्लान मैं छुपा नहीं रहा हूँ। जब मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बगैर बिजनेस प्लान बताए हुए भी कैसे हम अपने प्लान को प्रमोट कर देंगे और बगैर बिजनेस प्लान बताए हुए भी वो बंदा किस प्रकार से उत्सुक हो जाएगा बिजनेस प्लान जाने के लिए कि मुझे प्लान बताओ, मुझे प्लान बताओ, मुझे प्लान बताओ। आप चाहते हैं ऐसा हो कि मुझे प्लान बताओ, मुझे प्लान बताओ, मैं और भी काम करना चाहता हूँ, मैं और भी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस प्लान बताओ, कितना प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप ये सारी चीजें चाहते हैं ना, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसे आप करना शुरू कर दीजिए, आपकी प्रोग्रेस धीरे 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 उस लेवल तक पहुँच जाएगी जैसे कि आज से 6 महीना या 6 साल से जो लोग जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उतना प्रोग्रेस वो लोग भी नहीं किए होंगे, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस आप कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप आ जाए हो, फर्क नहीं पड़ता, 6 साल से काम कर रहे हुए जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको भी आप पीछा छोड़ सकते हैं। दोस्तों, दो तीन चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज, समय की मांग के अनुसार आज का समय क्या है। दोस्तों, आज का समय इस प्रकार से चल रहा है कि लोग की होर लगी है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस कंपनी में जाए, किस कंपनी में जाए, किस कंपनी में जाए, इस कंपनी में जाए, इस कंपनी में जाए, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ चीट ना हो जाए, मेरे साथ गलत ना हो जाए, मैं पैसा दूं, मैं ठगा ना जाऊं, तो ऐसे में लोग डर रहे हैं। उस डर को ही हम लोग खत्म कर देंगे, ना रहेगी डर, ना होगी कंफ्यूजन्स। तो यदि डर नहीं होगा, कंफ्यूजन्स नहीं होगी और जब उसके अंदर में जब एजुकेशन जाएगा, जानकारी जाएगी, तो उस डिसीजन लेने में बिल्कुल सहमत हो जाएगा। तो दोस्तों, उस डर को खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज है, किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है तो सबसे पहले उसे एक कस्टमर बनाइए। जी हाँ दोस्तों, एक कस्टमर बनाइए। बिजनेस पार्टनर बनाने से पहले कस्टमर बनाइए। डायरेक्टली बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो जैसे हम सभी लोग अप्रोच करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सेमिनार्स दिखाते हैं, चीजें समझ में आती है लोगों को, इसके बाद फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म वेरिफिकेशन होता है, लोग ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, काम शुरुआत कर देते हैं। एक नॉर्मल तरीका जॉब कर रहे हैं नॉर्मली रूप से, वो तो करिए ही करिए। यदि आप चाहते हैं साइड से एक अस्थाई नेटवर्क खड़ा करें, तो आप सबसे पहले जिन भी व्यक्ति को चाहते हैं कि वो आपका बिजनेस पार्टनर बने साइड से, तो साइड से ये काम कीजिए। बगैर बिजनेस प्लान बताए हुए कैसे होगा? सबसे पहले उसे एक कस्टमर बनाइए। क्या लगता है, किसी भी व्यक्ति को कस्टमर बनाने के लिए उसे बिजनेस प्लान बताना पड़ेगा? कोई दुकानदार किसी को सामान देता है तो सामान देने से पहले वो ये सारी बातें बताता है कि मैंने दुकान कैसे खोला, कितने रुपए पूंजी लगे, कितने रुपए इन्वेस्ट हुए, कितने मुझे प्रॉफिट आ रहे हैं, इस सामान को मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, उसमें से 2 रुपए मेरे बच रहे हैं, 1 रुपए बच रहे हैं, तो ये सब बताता है क्या? नहीं, कस्टमर बनाने से पहले सिर्फ बताता है कि ये सामान, ये चीजें हैं, ये सामान इस वर्क में काम आता है, ये सामान इस वर्क में काम आता है, इस सामान को इस्तेमाल कीजिए आप, इस सामान से ये यूज करने से ये फायदे मिलेंगे। सामने वाला इंटरेस्टेड होगा तो सामान को खरीदेगा। इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा उसके लिए भी एक टेक्निक है, इंटरेस्टेड होने के लिए, किसी को उत्सुकता पैदा करने के लिए, जिज्ञासा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता रहा हूं। सबसे पहला, उसे एक बिजनेसमैन, एक पक्का डिस्ट्रीब्यूटर, अपना बिजनेस पार्टनर बनाने से पहले उसे कस्टमर बनाने के बारे में सबसे पहले सोचिए। और कस्टमर ऐसा जिसके साथ आपका व्यवहार एक बहुत ही सरल, आम और सच्चाई वाला होना चाहिए, झूठ नहीं, फ्रेब नहीं, गलत नहीं। जितने रुपए वो खर्च करेंगे उतना रुपया का जेन्युइन प्रोडक्ट उसे मिलना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखिए। कस्टमर कैसे बनाएंगे? कस्टमर दो तरीके से बना सकते हैं। पहला,
आईडी उसका बना करके, आईडी जनरेट करा करके, दूसरा खुद के आईडी पर प्रोडक्ट दे करके। मैं तो कहूंगा सबसे पहले खुद के आईडी पर प्रोडक्ट उसे दीजिए, उसे आईडी मत बनाइए। पहली बार उसे खुद के आईडी पर प्रोडक्ट दीजिए, जब वो इंटरेस्टेड हो जाता है दोबारा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या फिर और भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, और भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए, क्या और भी बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारे पास ऐसी समस्या है तो इस समस्या में काम आ सकती है, तो उसे और भी प्रोडक्ट लेने के फायदे बता सकते हैं और उसका आईडी जनरेट कराते हैं, करा सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात, प्रोडक्ट जब अपनी आईडी पे दे रहे हैं या फिर उसकी आईडी पे दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट देने से पहले आपके पास एक टूल्स होने चाहिए जिस टूल्स के जरिए आप उसको कुछ प्रोडक्ट के डेमो दिखाती है। जैसे गैल्वे बिजनेस को हम सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, गैल्वे बिजनेस को चाह रहे हैं घर घर पहुंचाएं, है ना, हर हर गैल्वे घर घर गैल्वे का जो नारा लगा रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? लोगों की ज्वाइनिंग करा के संभव हो पाएगा? लोगों की ज्वाइनिंग तो कराते हैं लेकिन हर लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते। ज्वाइनिंग करने के बाद पहली बार जो प्रोडक्ट खरीदते हैं बस उतना ही में सीमित रह जाते हैं, दूसरी बार खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती शायद उसे, या फिर जो पड़ती भी खरीदना चाहता नहीं है, एक बार पैसा लगा दिए दोबारा थोड़ी लगाएंगे। लेकिन कस्टमर ऐसा नहीं करेगा, कस्टमर हर महीने खरीदेगा और बराबर खरीदेगा, शायद 2000 का, शायद 3000 का, शायद 4000 का, या फिर 5000 का, या फिर 10000 का भी खरीद सकता है, डिपेंड पड़ता है कि उसकी कितनी जरूरत है, कितनी उस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो आपको उस प्रोडक्ट को उसकी आईडी पर या फिर अपने आईडी पर देने से पहले उसके अंदर कर्शु की जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट के फैन दीवाने बनाना चाहते हैं तो उसे प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए। डेमो कैसे दिखाया जाता है, मैंने चैनल पे वीडियो बनाया है, उससे वीडियोस को आप देखिए कि डेमो कैसे दिखाया जाता है। और भी आपके बिजनेस पार्टनर होंगे, आपके सीनियर अपलाइन वगैरह या फिर बहुत सारे डाउनलाइन भी होते हैं जिनको अच्छी जानकारी होती है डेमो कैसे दिखाया जाता है, तो उस डेमो के प्रॉपर टूल्स आप अपने पास रखिए। टूल्स मतलब डेमो दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी आपको, चम्मच की, गिलास की, और भी ब्रांड के प्रोडक्ट की वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ जिस भी प्रोडक्ट का, जैसे टूथपेस्ट का दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, दो चार ब्रांड का पेस्ट जरूरत पड़ेगा जिसको आप कंपेयर करके बता दें, या फिर सोई में प्रोटीन पाउडर का आप डेमो दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर आप डिटर्जेंट पाउडर जिसे आप सर्फ बोलते हैं, हम सर्फ बोलते हैं, तो उसका डेमो दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप एक छोटे से बैग में कैरी कर लीजिए और उसको प्रोडक्ट देने से पहले वो डेमो दिखाइए कि आपके प्रोडक्ट कितने कारगर हैं मार्केट के प्रोडक्ट से। हो गया, अब वो बंदा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे पहली बार अपने आईडी पर दीजिए और उसे फीडबैक लीजिए 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में, कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है रेगुलर या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो उसे कितना अच्छा लग रहा है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए, क्या कमी है, क्या अच्छा है उसका फीडबैक। कमी तो बताएगा नहीं क्योंकि गैल्वे ब्रांड के सारे प्रोडक्ट नेचुरल हर्बल हैं जो सबको फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकता यदि फायदा नहीं पहुंचाएगा तो उसे फीडबैक लीजिए। जब वो अच्छा फीडबैक देता है, जब प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं तो आप पूछिए क्या आपको और भी प्रोडक्ट चाहिए, रेगुलर इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे। बोलेगा कि हाँ करना तो चाहेंगे लेकिन पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, उसे आप समझाइए, उसके बाद उसे समझाइए, उसके बाद थोड़ी सी प्लान खुलेगी, प्लान नहीं पूरा खुलेगा, थोड़ा सा प्लान खुलेगा। आप उसे बताइए मार्केट से आप कितने दिनों से प्रोडक्ट पेस्ट यूज कर रहे हैं, जो आप सर्फ एक्सल यूज कर रहे हैं बाहर से, या फिर व्हील सर्फ यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी जिस ब्रांड का टाइड यूज कर रहे हैं, या फिर कोई भी ब्रांड का सर्फ यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, या फिर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, या फिर टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कितने दिनों से यूज कर रहे हैं। बोलेंगे जब से पैदा हुआ तब से। बोलेंगे आप पैदा लिए उससे पहले आपके पिताजी भी यूज किए? बोलेंगे हाँ। हो सकता है कि आपके पिताजी से भी पहले आपके दादाजी के जमाने में भी यही ब्रांड रहा होगा, शायद अलग रूप में, जैसे कि आप हम लोग जेल फॉरम में इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट को, लेकिन इससे पहले दादाजी के जमाने में कौन सा आता था, कॉलगेट तो आता था लेकिन कॉलगेट आता था पाउडर वाला, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इस फॉरम में आता था तो ये भी इस्तेमाल किया होगा। तो कॉलगेट आप कब से यूज कर, लमसम 3 पीढ़ी से, हम लोग 4 पीढ़ी से यूज करते आ रहे हैं। आपको मिलता क्या है, पैसे दिए प्रोडक्ट खरीदे, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसी जगह पे यदि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोडक्ट से 1000 गुना प्रोडक्ट बेहतर ये प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल आयुर्वेदिक हर्बल चीजों से तैयार किया गया प्रोडक्ट है जो कि किसी भी प्रकार का नुकसानदायक नहीं है। दूसरी चीजें बोलेंगे 3 पीढ़ी से यूज कर रहे हैं तो इसमें नुकसान क्या है, आगे भी करेंगे। 3 पीढ़ी से यूज करने पर क्या आपको कोई डिस्काउंट मिलता है? जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं और उस रेट के अनुसार आप खरीदते जा रहे हैं। फायदा कुछ भी नहीं, जितना दिए उतना ही मिला। हो सकता है कॉलगेट में कभी 5% या 10% या 15% एक्स्ट्रा पेस्ट मिल जाता है, या फिर उस पेस्ट के साथ एक ब्रश भी मिल जाता है, हो जाता है कभी कभी,
लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यदि आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, इस पेस्ट को, गैल्वे दंतोरम को इस्तेमाल करेंगे, गैल्वे ग्रीन जेल को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? मजबूत चमकते हुए चमकीले दांत तो मिलेंगे ही मिलेंगे, निरोग दांत तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में फायदा यह होगा कि जैसे जैसे इस प्रोडक्ट को आप रेगुलर खरीदते जाएंगे, समय के अनुकूल यदि आप रेगुलर इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो एक साल रेगुलर यूज करने के बाद दूसरे सालों से यही प्रोडक्ट का दाम जितना रहेगा उससे कम रेट पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी तो मान लेते हैं कि MRP और DP का डिस्टेंस मिल रहा है, कि मान चलिए जब ID जनरेट करा लेते हैं तो आपको जो है सो DP रेट पे प्रोडक्ट मिलता है, नहीं तो MRP रेट पे अगर ID बनाए हुए मिलता है। लेकिन DP रेट से भी कम रेट पे लेना है तो रेगुलर यदि इसको इस्तेमाल करेंगे तो लगभग दूसरे सालों से 50% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिलेगा। यदि मान लेते हैं मोटा मोटी, यदि ये प्रोडक्ट यदि 100 रुपये का है, मोटा मोटी मान लेते हैं, तो इस प्रोडक्ट को लमसम आप 100 रुपये का प्रोडक्ट को लमसम 50 रुपये खर्च करके खरीद सकते हैं। है ना कमाल की बात। इसी प्रोडक्ट को लगातार 2 साल यूज करते रहे तो तीसरे सालों से हो सकता है यही प्रोडक्ट 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको 10 रुपये खर्च करके 100 रुपये का प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? किसी भी व्यक्ति को ऐसा आप सवाल करेंगे, सब व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल हाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे। और दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं ना, ये फायदा, ये आम भाषा में बता रहे हैं, लेकिन ये फायदा किस चीज का है? LCC का फायदा है। और उसे बताएंगे, यदि ये 2 साल का तो फायदा मैंने बता दिया, पहले 1 साल जो हम इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिलता है पहले 1 साल में यदि रेगुलर आप 2000 रुपये का अपने घरेलू इस्तेमाल का जो प्रोडक्ट आप बाहर के मार्केट के दुकानों से ले रहे हैं वही यहां से खरीदेंगे, तो आपको 2000 का खरीदते हैं तो हो सकता है 2000 के बदला 2100 का प्रोडक्ट आपको मिल जाए, हो सकता है 2200 का प्रोडक्ट मिल जाए, यानी ये बढ़ता रहेगा। हो सकता है 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 तक का प्रोडक्ट, यानी 2000 खर्चा करेंगे 3000 तक का प्रोडक्ट मिल जाए। ये कैसे संभव होगा? जब आप इसे रेगुलर खरीदते रहेंगे तब ये संभव होगा। और आप बता नहीं रहे हैं, एक्चुअल में आपको पता है कि ये LCC के फायदे हैं। ये रिटेल में जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उन सभी लोगों को ये फायदे मिलते हैं, आपको भी मिलने वाला है, हर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाला है, और जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर अभी हैं उनके तो उनको तो मिलना ही है, जो लोग बनेंगे उनको भी मिलने वाला है यदि वो CD लेवल को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद से, यानी CD बनने तक यानी 0+1 महीने में 330 PV पूरा कर ले, या फिर 330 PV 0+1 मंथ में नहीं पूरा कर लेता है तो 500 PV जो है सो पूरा कर ले, कभी भी जब पूरा हो जाएगा उसके बाद उसे RDP मिल रेट पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब उसे RDP मूल्य पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा तब ये बेनिफिट 1 साल 2 साल 3 साल वाला चालू हो जाएगा, यानी पहले साल में जितना रुपये का प्रोडक्ट 2000 खरीदे कम से कम 2000, LCC का फायदा लेना है तो कम से कम 2000, समझे? LCC का फायदा उसे तब बताएंगे जब LCC का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये फायदा बताएंगे तब बताएंगे जब वो 2000 का कम से कम प्रोडक्ट खरीदेगा तब। यदि 2000 से कम का खरीद रहा है तो उसे सिर्फ ये बताइए कि ये प्रोडक्ट ID बनाने के बाद, तो पहली बार तो अपने ID पे दिए, दूसरी बात बताइए कि ID बनाने के बाद यही प्रोडक्ट 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको 70 रुपये का पड़ सकता है, या फिर 75 रुपये का पड़ सकता है, 80 रुपये का पड़ सकता है, यानी 20-30 रुपये आपको कम पड़ेगा, तो वो बंदा क्यूरियोसिटी जगाएगा कि अच्छे ब्रांड का बढ़िया ब्रांडेड प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इतना पैसा खर्च करने में हिचक नहीं होनी चाहिए, और बंदा आराम से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। और जब इस्तेमाल करने के लिए आईडी बनाएगा तो आपका बनाने डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर बनने सामान खरीदने लगा तो एक कस्टमर बनने लगा, कस्टमर बन गया, और जब कस्टमर बन गया तो उसे बताएंगे प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, बोलेगा बहुत अच्छा। तो क्या आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट को और भी लोगों तक पहुंचाया जाए, या फिर और भी लोग इस प्रोडक्ट से फायदा उठाए? तो सब लोग बोलेगा बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं, मैं उठा रहा हूँ, दूसरे भी उठाए तो क्या हर्ज है, बिल्कुल उठाए। हो सकता है कि आप ये बात नहीं भी बोले रहेंगे, उस बीच में ही वो कई बार बोल देगा कि मेरे भी एक दोस्त हैं, मेरे एक पड़ोसी है, उनके भी दांत में दर्द रहता है, उनको भी समस्या रहता है, उनको भी ये परेशानी रहती है, उनको उस घर में ये परेशानी है, क्या ये प्रोडक्ट नहीं है अपने पास? इस बीच में हो सकता है कि वो खुद से बोल दे, लेकिन यदि ना बोले तो उसे तब बताएंगे कि ये चीज़ें संभव है कि यदि आप किसी को चाहें ये ब्रांडेड प्रोडक्ट देना तो आप दे सकते हैं, उसके बदले में आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा कंपनी की तरफ से, तो उसे वहाँ पर थोड़ा सा प्लान क्लियर करेंगे कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और आपका पर्सनल PV बढ़ता है तो PV बढ़ने से आपका चेक बनेगा, PV बनने से आपका प्रमोशन होगा, और ये प्रमोशन है, ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको ID जनरेट लोगों की करानी होगी, जैसे मैंने आपकी ID जनरेट कराई वैसे ही लोगों की आपकी ID जनरेट करानी होगी। जैसे जैसे आपकी ID जनरेट होती चली जाएगी सेलिंग बढ़ती चली जाएगी, धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि उन लोग आप जिनको ID जनरेट कराए वो किसी और की कराएंगे, और ऐसे ऐसे करके एक ऐसी लंबी श्रृंखला, लोगों की सामान खरीदने वालों की श्रृंखला ऐसी बन जाएगी कि आप घर बैठे रहेंगे
लोग अपने घर में अपने जरूरत के इस्तेमाल के प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे और आपके महीने की इनकम 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, शायद लाखों से ऊपर भी आपका महीने का इनकम जा सकता है। और हर बंदा आपके साथ कांधे से कांधे मिलाकर खुद तो प्रोडक्ट खरीदेगा, दूसरे को भी खरीदाएगा। यही तो आप चाहते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट एक बार में लोग आए, प्रोडक्ट खरीदे, डिस्ट्रीब्यूटर बने, ज्वाइन कर ले, शुरुआत कर दे काम। वो तो आप कर ही रहे हैं, करिए। लेकिन साथ साथ यदि ये करते हैं ना, जो मैं अभी बताया, तो आप एक अस्थाई नेटवर्क तैयार करेंगे, जो नेटवर्क कभी नहीं खत्म होगा, जिस नेटवर्क को कोई नहीं तोड़ सकता, जिस नेटवर्क को कोई नहीं उखाड़ सकता, जिस नेटवर्क को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता कि तुम फंस गए हो, तुम्हारा पैसा लूट लिया गया है, कोई नहीं कह सकता। क्यों? कि वो खुद जवाब दे देगा, पैसा कैसे फंसा, मेरे से तो कोई पैसा नहीं लिया, आईडी तो फिर मैं बनाया था, पैसा दिए थे वो प्रोडक्ट का, शैम्पू का था, शैम्पू ला के दे दिया, या फिर हम अपने खुद से ऑर्डर करके शैम्पू मंगा लिए थे, हम खुद से ऑर्डर करके पेस्ट मंगा लिए थे, कोई पैसा लिया नहीं, तो ठगा क्या वो? यदि उसको ये बताना आएगा तुम्हारा ठग लिया कंपनी वाला, इस कंपनी में काम करते हो, 11वीं कंपनी में, ये तो कंपनी चोर है, डकैत है, फलाना है, चिलाना है। बोले कोई चोरी नहीं किया, कोई डकैती नहीं है, कि मैं अपनी स्वेच्छा से ये प्रोडक्ट खरीदा, अपनी स्वेच्छा से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस तरह से आपका एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ, पॉजिटिव सकारात्मक माहौल बना हुआ, एक ऐसा स्थायी टीम तैयार होगा जो टीम कभी नहीं क्रैश होगी, कभी नहीं टूटेगी। क्या आप चाहते हैं ऐसा नेटवर्क बनाना? तो दोस्तों, बगैर प्लान बताए हुए ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम पे एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर सकते हैं आप, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं आप। बोलेंगे क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है कि लोगों को हम बताएं प्रोडक्ट के बारे में, हम डेमो दिखाएं और लोग ज्वाइनिंग कर ले? जी हाँ दोस्तों, डेमो में बहुत ज्यादा पावर होता है। डेमो सोच के देखिए, जब आपके सामने डेमो मैंने वीडियो डाला था, आपको कितना अच्छा लगा था, वाह कितना अच्छा प्रोडक्ट है मेरा, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ शानदार प्रोडक्ट है। जब सामने से किसी को डेमो दिखाई देता है ना, ये सारे प्रोडक्ट को दिखाया गया, इस प्रोडक्ट में से यही प्रोडक्ट ये कमाल क्यों दिखाया, बाकी प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाया ये कमाल, तो लोगों की आंखें खुलती है, वाह क्या बात है, कमाल का प्रोडक्ट है, इसे इस्तेमाल हम करेंगे, 2 रुपया ज्यादा ही लगता है तो क्या है, लेकिन आने वाले समय में फायदा ही तो फायदा है। लेकिन जिस ब्रांड को हम 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल से यूज कर रहे हैं, उसमें तो कोई फायदा नहीं मिला। आज भी हम पैसे देके सिर्फ प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, उसमें क्या मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, कितना फायदा कितना नुकसान करता है हमें कुछ नहीं पता। हमें तो पता है कि ये टूथपेस्ट में क्या क्या मिला हुआ है, 5 प्रकार का लौंग मिला हुआ है, तुलसी मिला हुआ है, पुदीना मिला हुआ है, सारे मिश्रण से तैयार किया गया, या हर्बल पेस्ट है जो हमें इतने फायदे करते हैं, ये सब तो सारी चीजें हमें पता है, इस प्रोडक्ट में ये मिला हुआ है और इतने फायदे करते हैं। तो दोस्तों, हर बंदा आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा और हर बंदा आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहेगा और रेगुलर इस्तेमाल करना चाहेगा और आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। और जब उसे डेमो दिखाएंगे तो पूरे प्रभावित होकर के, मतलब पूरी शिद्दत से उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। क्लियर दोस्तों? तो ये छोटी सी एक बात थी जो आपको समझानी थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, समझाने का मेरा तरीका जो है थोड़ा सा अलग है दूसरों से, मैं सब दिन से ऐसा ही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारे लोग शिकायत करते थे हमेशा कि आप बड़ा लंबा चीज़ों को खींच देते हैं, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि मेरी बताई हुई बात एक एक लोगों को समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बार बार फटाफट 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 कुछ कुछ बोल दिए, खुद ही बोले, खुद ही समझे, चल दिए। मेरा मानना होता है कि मैं जो बताऊँ लोगों को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि इस सिस्टम पे काम करके अभी तक जो सफलता मैंने नहीं मिली थी आपको, उससे कम समय में इससे बहुत बड़ी सफलता शायद आपको जरूर मिलेगी और आप खुश होकर के इस बिजनेस को करेंगे, क्योंकि आपका काम रेगुलर चलता रहेगा, रेगुलर, चाहे इधर से सेल हो या ना हो, जिधर से आप कर रहे हैं डायरेक्ट सेल करने की, लेकिन इधर से रेगुलर आपका परचेज, रीपरचेज, रीपरचेज, रीपरचेज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं, आप अपने अनुसार से उसे बता सकते हैं, बगैर प्लान बताए हुए बहुत सारे फायदे जो आप बता सकते हैं उसे जरूर बताइए और उसे इस बिजनेस का फ्यूचर तब समझाइए जब वो रेगुलर प्रोडक्ट खरीदना चाहता हो और किसी को देना चाहता हो। क्लियर दोस्तों? तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसे प्लान बताने का समय आया है या नहीं आया। जब वो आ जाए समय तो बता दीजिए, आप इसमें चीटिंग भी नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड भी नहीं कर रहे हैं, आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ रहा है और आप एक बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक भी बनने वाले हैं भविष्य में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, पसंद आया हो तो शेयर कीजिए वीडियो को और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाइए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइल में पहुंचना चाहिए वीडियो, दिखाइए अपना एलवियंस वाला पावर और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइल में पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी पूरी शिद्दत से अभी जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इस रिटेल वाले सिस्टम पे पूरा फोकस करके काम करें और एक रिटेल अस्थाई टीम तैयार करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ, खूबसूरत अंदाज में। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।